आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑर्डर के कारण जो है वो आपकी छुट्टियां लगी हुई हैं, इस कारण हम आपको आपके नोट्स आपको समझा करके भेज रहे हैं और साथ में आपको जो रिटन नोट्स हैं वो हम ईमेल्स के द्वारा आपको सेंड कर देंगे। ये हमारा थर्ड यूनिट है और थर्ड यूनिट का जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। मीन्स कम्युनिकेशन हिंदी इसकी होती है बातचीत करना। मीन्स वेन वी शेयर आवर फीलिंग्स इमोशंस आइडियाज टू अनदर पर्सन दैट इज कॉल्ड अ कम्युनिकेशन। मीन्स जब हम अपनी कोई बातचीत को अपनी इमोशंस को अपनी फीलिंग्स को अपनी भावनाओं को दूसरों के साथ बताते हैं वो हमारे कम्युनिकेशन कहलाता है। हियर इज द इंट्रोडक्शन। कम्युनिकेशन इज द नेम गिवन टू नंबर ऑफ वेज by which different creatures convey and receive information। मतलब हम इसको कई तरीके से अपनी emotions या अपनी feelings या अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं और उससे हम information ले सकते हैं। For example, talks among human being, creeping of words, every sounds that our ears hear, etc. During early era, पुराने समय में man used to communicate through sounds, symbols and gestures. अगर हम देखें तो हमारे पास जब हम अपने बिना अभी हमारे पास education आ गई है, हम सब पढ़े लिखे हो गए हैं तो हम अपनी feelings को बहुत अच्छे तरीके से words में explain कर पाते हैं। पर अगर हम अपने पुराने era में जाते हैं तो वहाँ पे जो लोग थे वो अपनी फीलिंग्स को दूसरे तक कैसे पहुंचाते थे, तब वो जो यूज़ करते थे उनके पास कई तरीके के साउंड्स थे, वो डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स के थ्रू जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन को भेजते थे, कुछ सिंबल्स थे उनके थ्रू भेजते थे और कुछ डिफरेंट जेस्चर्स थे जिनके थ्रू वो अपनी इंफॉर्मेशन वहाँ पर सेंड करते थे। विद द एडवांसमेंट ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जैसे जैसे हमारा कल्चर बढ़ता चला गया, जैसे जैसे हम सिविलाइज होते चले गए, डिफरेंट लैंग्वेज केम इनटू एक्सटेंस, कई तरीके की लैंग्वेज हमें आने लगी। एज द रिजल्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी के तहत कम्युनिकेशन हैज फाउंड न्यू वेज सच एज टेलीफोन्स, मोबाइल्स, ईमेल, फैक्स। हम अब भी देखें हम अपने अगर हमें आपसे हम आपको वीडियो सेंड कर रहे हैं तो वीडियो क्या है, एक न्यू टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करके आपको एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं। दिस इज द कॉल कम्युनिकेशन थ्रू मोबाइल। कम्युनिकेशन इज एन इम्पोर्टेंट इन ह्यूमन बीइंग। किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी बातचीत करना या कोई किसी भी चीज़ को कम्युनिकेट करना वो बहुत ज़रूरी होता है। हम नॉर्मल अगर हम देखें आप दो दोस्तों के बीच में बैठते हो तब वहाँ बातचीत कर रहे होते हो, हम अभी आपसे शेयर कर रहे हैं वो भी एक तरीके की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, कुछ आपको ज़रूरी नहीं है आपके घर से कोई मैसेज आता है वो भी एक इंफॉर्मेशन है, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, कम्युनिकेशन कहलाती हैं। In the present era of professionalism, one must master the communication skill to become successful. यानी कि आज के टाइम पे हम देखें तो अगर हम बातचीत करने में एक प्रोफेशनल तरीके से बहुत यूज्ड हो चुके हैं क्योंकि हमारे पास क्या है अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है। हम अगर देखें तो कम्युनिकेशन एग्जैक्टली क्या है, हम आपको मैसेज भेज रहे हैं या हम अपनी बातों को आप तक पहुंचा रहे हैं, तो मीन्स एक हम हुए दूसरा आप हमारी बातों को सुनने के लिए हुए, तो एग्जैक्टली द कम्युनिकेशन मीन्स टू हैंड्स, मीन्स इट्स अ टू वे प्रोसेस। हम अपनी बात को कह रहे हैं आप हमारी बात को सुन रहे हैं, क्लियर। इसको देखते हुए कुछ हमारे जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जो है कम्युनिकेशन की डेफिनेशन प्रोवाइड करी, पहली जो डेफिनेशन थी वो हमें न्यूमैन समर के द्वारा मिली, कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स आइडियाज इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन बाय विलिंग न्यूमैन और द चार्ल्स समर। इन्होंने हमें एक न्यू दिया, एक न्यू कम्युनिकेशन की डेफिनेशन
डेफिनेशन दी जिसमें इन्होंने कहा कि जो कम्युनिकेशन होती है वो क्या है, एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स आइडिया। हम अपनी बातों को या अपने कोई भी आइडिया जो हमारे बात में माइंड में आया या कोई ओपिनियन है या कोई कुछ भी हमारी कोई इंफॉर्मेशन है वो जब हम दो या दो से अधिक लोगों में शेयर करते हैं दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। ठीक वैसे ही गैटस ने एक दूसरी डेफिनेशन हमें प्रोवाइड करी, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मींस कोई भी इंफॉर्मेशन जब हम किसी को पास कर रहे हैं और उसको किसी के द्वारा समझा जा रहा है तो वो क्या कहलाया हमारा कम्युनिकेशन। पहला मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया, इंट्रोडक्शन में आपको ये बताया कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। हम पुराने टाइम पे अपनी कम्युनिकेशन को किस तरीके से यूज करते थे, तमाम जेस्चर सिंबल्स साउंड के थ्रू अपने मैसेज कन्वे करते थे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई हमारे जो मैसेजेस हैं हमारे आइडियाज हैं वो प्रोफेशनल्स होते चले गए। उसके बाद मैंने आपको बताया डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन और आफ्टर डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन आता है इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स व्हाई कम्युनिकेशन वी नीड एग्जैक्टली। सबसे पहले अगर हमें कोई भी कम्युनिकेट करना है किसी भी चीज को और आप तक पहुंचाना, कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम किस तरीके से अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, अपने न्यू मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं, उसको हम किस तरीके से वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन वहाँ पे दे सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। एज यू नो अभी मैंने ऊपर बताया आपको कि जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई वैसे वैसे क्या हुआ कि हमारी जो इंफॉर्मेशन भेजने की जो टेक्निक्स थी वो डेवलप होती चली गई। और जब वो डेवलप हुई तो हमने अपने जो मैथड पहले क्या थे हम लोग अगर देखें तो याद करें हम लोग लेटर्स के थ्रू अगर जाता था। हम दूसरे कहीं अपने जैसे सपोज हम यहाँ रह रहे हैं और हमें अगर बिहार में किसी को भेजना है मैसेज तो हम लेटर्स के थ्रू भेजते थे। पर आज हमारे पास क्या है, मोबाइल फोन है, हम तुरंत फोन उठाते हैं और वो बात करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये क्या हुआ हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ। नेक्स्ट है ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी पर बढ़ती चली जा रही है हमारी उसमें उस फील्ड में स्पेशलाइजेशन बढ़ती चली जा रही है। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, आज हर बच्चा चाहता है कि मैं सबसे आगे रहूं, कोई नहीं चाहता कि मैं उससे पीछे रहूं। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो भी ये चाहेगा कि मैं आगे रहूं और जिसको समझ में आ रहा है वो तो आगे है ही है, यानी कि हर कोई चाह रहा है मैं आगे। तो इस आगे रहने के कारण भी आज हम आपको वीडियो अपलोड कर रहे हैं, मीन्स आपको हम वहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, समझा रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं। और वो मैसेज देने का रीज़न यही है कि आप जब सपोज आपके एग्जाम आते हैं स्कूल कॉलेज ओपन होते ही तो आप उसमें पीछे ना रह जाए। नेक्स्ट है आपका पब्लिक रिलेशंस। जितना ज्यादा हम कम्युनिकेट करेंगे, जिस तरीके से हम कम्युनिकेट करेंगे, हमारी जितने हमारे पास वोकैब्स होगी, हमारे पास जितनी हमारे वोकैब की गैदरिंग होगी, हम जितने अच्छी तरीके से किसी को समझा सकते हैं वो हमारा पब्लिक रिलेशन बनाता है और वो पब्लिक रिलेशन हमें कभी ना कभी काम आता है। लास्ट है हमारा ट्रेड यूनियंस। एग्जैक्टली अगर हम देखें तो जो ट्रेड यूनियंस हैं हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके के, हम अगर आप अगर मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं आप एक डिफरेंट ट्रेड में जाएंगे, वहीं अगर सिविल के स्टूडेंट्स हैं तो वो डिफरेंट ट्रेड में जाएंगे। तो हमारे पास हर जगह एक एक अपनी लैंग्वेज है और ये लैंग्वेज मैंने आपको बताई है आपकी लैंग्वेज ऑफ साइंस में। सो टुडे आई टोल्ड यू व्हाट इज कम्युनिकेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। सो गुड बाय फ्रेंड्स, आपको सारे नोट्स जो हैं वो ईमेल्स के थ्रू हम सेंड कर देंगे। आपको ये सारे नोट्स अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं फॉर योर मिडसेम एग्जामिनेशन। थैंक यू एंड फिट एंड हेल्दी।